और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। बिहार में मंदिर और मजार की राजनीति शुरू हो चुकी है। पटना के अशोक राजपथ पर मौजूद मंदिर को हटाने पर सियासत शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप। गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर तुष्टिकरण के आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बिहार से। बिहार में मंदिर और मजार की राजनीति शुरू हो चुकी है। पटना के अशोक राजपथ पर मौजूद जो मंदिर हैं उनसे हटाने को लेकर सियासत इस वक्त बिहार में गर्म है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। नीतीश सरकार पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का गिरिराज सिंह की ओर से आरोप लगाया गया है। आगे आपने मजार तो बना दिया, वो मजार बाधक नहीं हुआ क्योंकि उस मजार को मानने वाले एक वोट बैंक है, मुसलमान है। लेकिन हम सनातन वोट बैंक नहीं है। और देखिए, पटना के अशोक राजपथ पर मौजूद मंदिर को हटाने का पूरा मुद्दा आखिर क्या है। न्यूज नेशन ने संवाददाता रजनीश सिन्हा की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। हम जान दे देंगे परंतु मंदिर टूटने नहीं देंगे। जी हां, और ये मंदिर अभी बिहार के सियासत के केंद्र में आ चुका है। दरअसल बिहार में विकास के साथ मंदिर और मजार की राजनीति शुरू हो गई है और कारण क्या है ये बताने के लिए हम पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर। ये पटना का अशोक राजपथ का इलाका है। यहाँ पर डबल डेकर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। आप देखिए इस पूरे सड़क पर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क है क्योंकि पटना का सबसे, बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल कहें PMCH इसी सड़क पर है। और ये जो बाउंड्रीज आपको दिख रही है ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ की और पटना कॉलेज की बाउंड्रीज हैं जो ये बताते हैं कि इस सड़क पर आवागमन कितना तेज रहता है और इसलिए यहाँ पर डबल डेकर पुल का निर्माण हो रहा है। ये तो एक पक्ष है, मगर इसी सड़क पर पिछले 300 साल से ये मंदिर स्थित है। और देखिए नई संसद के उद्घाटन